अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू प्रो आर्किटेक्चर स्टूडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि ऑटोकैड में ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स को ऑटोकैड में किन पर्पस के लिए यूज किया जाता है और उन ग्रुप्स को ऑटोकैड में हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट वट इज़ ग्रुप इन ऑटोकैड। ऑटोकैड में किसी भी ड्राइंग में डिफरेंट टाइप्स के कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं और उन ऑब्जेक्ट्स को कंबाइन करने के लिए हम ग्रुप्स का यूज़ करते हैं। यानी हमने ऑटोकैड में कुछ डोर्स, विंडोज़ या कुछ फर्नीचर वगैरह के ब्लॉक्स बना लिए हैं और उन ब्लॉक्स को सेपरेट हम सेलेक्ट करके एक ग्रुप की शक्ल में हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो उन ग्रुप्स को हम अपनी ड्राइंग में एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ कर सकते हैं, उनको प्लेस कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजिंग्स वगैरह कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू मेक अ ग्रुप्स इन ऑटोकैड। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट ड्रा कर लेता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा करता हूँ, उस रेक्टेंगल के अंदर एक सर्कल ड्रा कर लेता हूँ और इसी की मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करके मैं इसको इस तरह चार ऑब्जेक्ट्स में कॉपी कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इनका मैं ब्लॉक बनाता हूँ। तो ब्लॉक बनाने के लिए मैं अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करूंगा, बी प्रेस करके यहां पर एक नाम दूंगा वन, पिक पॉइंट करूंगा, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, ओके, इंटर करेंगे और यहां पर इसको मैं कन्वर्ट टू ब्लॉक कर देता हूं और ओके करता हूं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट एक ब्लॉक की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका है। ओके, तो इस ऑब्जेक्ट को भी मैं एक ब्लॉक की शक्ल में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो मैं अपने कीबोर्ड से बी प्रेस करके बी ब्लॉक और यहां से मैं एक नेम सेलेक्ट करता हूं। लेट्स से बी पिक पॉइंट दूंगा, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन इंटर करूंगा और ओके करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी हमारा ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुका है। तो इन ऑब्जेक्ट्स को भी मैं ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूं। मैं बी प्रेस करता हूं, यहां से मैं सी प्रेस करता हूं, पिक पॉइंट दूंगा, अगेन कन्वर्ट टू ब्लॉक, ओके, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट और यहाँ पर सी नेम दे के ओके करता हूँ। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो अब ये देखिए, ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स है ये ब्लॉक में कन्वर्ट हो चुके हैं। बाय द वे, अगर आप नहीं जानते कि ऑटोकैड में ब्लॉक्स वगैरह कैसे क्रिएट किए जाते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर क्लिक कीजिए और वहाँ पर वीडियो आप देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉक इन ऑटोकैड। ओके, तो जैसे ही मैंने ये ब्लॉक्स वगैरह क्रिएट कर लिए हैं तो इनको मैं ग्रुप्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल, जैसा कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इन तीनों ऑब्जेक्ट्स को मैं अपनी ड्राइंग पर एक से ज़्यादा मरतबा इनकी कॉपी लगाना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं पहले इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर इसको और फिर कॉपी की कमांड प्रेस करेंगे, उनको मैं कॉपी करूंगा। तो ये एक लंबा प्रोसीजर हो जाएगा जिससे ये का मेरा जो टाइम है वो वेस्ट होगा। तो लेट्स से मैं कंट्रोल जी करके बैक जाता हूं और इन ऑब्जेक्ट्स को, यानी ये जो ब्लॉक्स हैं, इनको एक ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। यानी जब भी मैं इनको सेलेक्ट करूं तो ये एक साथ तीनों ही सेलेक्ट हो जाएं। तो उसके लिए मैं इन तीनों को अगेन ब्लॉक भी कर सकता हूं तो और ग्रुप भी कर सकता हूं। बेटर यही है कि अगर आपने कोई ब्लॉक्स वगैरह एक से ज़्यादा क्रिएट कर लिए हैं तो उनको ग्रुप्स में कन्वर्ट कीजिए। ओके, अब इन ब्लॉक्स को मैं एक ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं रिबन टूलबार पर जाऊंगा और यहाँ पर हमें ग्रुप का एक पैनल शो हो रहा है। तो ये एक ग्रुप का एक बड़ा साइकन है। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमें शो हो रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। अदरवाइज मैं अपने कीबोर्ड से कमांड प्रेस करूँगा जी, जी फॉर ग्रुप, और ग्रुप सेलेक्ट करके और यहाँ पर हम जाएंगे कमांड पैलेट में और यहाँ पर हमें दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, नेम और डिस्क्रिप्शन। यानी आप इस ग्रुप को कोई डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं या कोई नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो लेट्स से मैं इनको नेम देना चाहता हूँ तो मैं नेम पर क्लिक करूँगा और मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट्स से जी वन, ग्रुप वन, ओके, और मैं इंटर करता हूँ और मैं यहाँ से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, अपने ब्लॉक्स को, और मैं फिर इंटर करता हूँ सेलेक्ट करने के बाद। तो ये जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए इनके अराउंड एक रेक्टेंगुलर बॉक्स ड्रा हो चुका है। इट मीन ये जो ब्लॉक्स हैं ये एक ग्रुप्स की शक्ल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, तो अब मैं इनको इनकी कॉपी करके अपनी ड्राइंग पर एक से ज़्यादा मरतबा यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं कॉपी की कमांड प्रेस करूँगा सी ओ इंटर और मैं किसी भी एक पर क्लिक करता हूँ तो ये तीनों ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएंगे। इट मीन ये ग्रुप की शक्ल में है इसलिए ये तीनों एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। और मैं सेलेक्ट करने के बाद इंटर करता हूँ, किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करके कहीं पर भी इसको
क्लिक करके कॉपी कर सकता हूँ। ओके, तो लेट्स से मैं इनकी कॉपी नहीं करना चाहता हूँ, मैं कंट्रोल जी करूँगा और यहाँ पर बैक चला जाऊँगा। अब मैं चाहता हूँ कि इन ग्रुप्स में से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकूँ या किसी भी एक नए ऑब्जेक्ट को इन ग्रुप्स में ऐड कर सकूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा रिबन टूल बार पर, ग्रुप के पैनल पर, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा एडिट ग्रुप, ग्रुप एडिट। जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो कमांड पैलेट पर हमें शो हो रहा है सेलेक्ट ग्रुप और नेम। तो अब जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने इस ग्रुप को एक नाम दिया था G1 के नाम से, तो मैं यहाँ से नेम पर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ G1। एंड जैसे मैंने इंटर किया तो यहाँ पर आप देखिए कमांड पैलेट पर हमें शो हो रहा है एड ऑब्जेक्ट्स, रिमूव ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को इस ग्रुप्स में से रिमूव करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए यहाँ पर रिमूव ऑब्जेक्ट पर क्लिक करूँगा, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, इंटर करूँगा, तो ये देखिए उस ग्रुप में से वो ऑब्जेक्ट हमारा रिमूव हो चुका है। तो लेट्स से मैं इस ग्रुप में इस ब्लॉक को दोबारा ऐड करवाना चाहता हूँ या मैं कोई एक नया ऑब्जेक्ट इसमें ऐड करवाना चाहता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रा करता हूँ, ओके, और एक और सर्कल ड्रा कर लेता हूँ, और इन दोनों सर्कल को और इस ब्लॉक को अब मैं इनमें इस ग्रुप में ऐड करवाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं जाऊँगा एडिट ग्रुप, ग्रुप पैनल में जाकर एडिट ग्रुप में जाऊँगा, और जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर नेम सेलेक्ट करूँगा, नेम जो मैंने ऑलरेडी दिया था G1, यानी जो ग्रुप ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है उस ग्रुप का नेम मैं यहाँ पर लिखूँगा। लेट्स से मैं G1 इंटर करता हूँ और अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ऐड ऑब्जेक्ट्स। ओके, ऐड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके जिन जिन ऑब्जेक्ट्स को मैं ऐड करवाना चाहता हूँ उनको मैं सिलेक्ट करूँगा। लेट्स से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और इंटर करूँगा, तो ये देखिए ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये एक ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ओके, अब आप चाहते हैं कि इनमें से किसी भी एक ऑब्जेक्ट्स में कुछ चेंजिंग वगैरह कर सकें, तो उसके लिए हम यहाँ पर रिबन टूल बार पर जाकर ग्रुप के पैनल पर यहाँ पर एक ऑप्शन शो हो रहा है ग्रुप सिलेक्शन और ऑन आर ऑफ। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं किसी भी अपने ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए वो एक सेपरेट ब्लॉक वाइज सेलेक्ट हो रहे हैं, यानी अब इनमें हम कुछ चेंजेस वगैरह कर सकते हैं। चेंजेस वगैरह करने के बाद वही जो ग्रुप ऑन ऑफ वाला ऑप्शन है उसको हम ऑन करेंगे तो वो दोबारा एक ग्रुप की शक्ल में हमारे पास शो होगा। तो लेट्स से इस ब्लॉक में मैं कुछ चेंजिंग्स वगैरह करना चाहता हूँ और उसको मैं अगेन ग्रुप में ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करूँगा इस ब्लॉक पर, और यहाँ पर ये जो इस ब्लॉक का नेम शो रहा है, और मैं यहाँ से बी पर क्लिक करके ओके करता हूँ और मैं इस पर कुछ चेंजिंग्स करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पर एक इसमें कोई सी भी एक शेप बना लेता हूँ, ओके, और मैं यहाँ से इंटर करता हूँ और रिबन टूलबार पर जाकर यहाँ पर क्लोज एडिटर पर क्लिक करता हूँ और सेव चेंजेस पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए इसमें चेंजिंग हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पर ग्रुप के पैनल पर जाकर जैसे ही इसको मैं ऑन करता हूँ तो ये देखिए अगेन ये ग्रुप की शक्ल में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इस तरह आप किसी भी ग्रुप में चेंजिंग वगैरह करके उसको दोबारा ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, अब मैं जैसे ही इस ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखिए इस ग्रुप के अराउंड हमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स शो हो रहा है। आप नहीं चाहते कि ये जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसके अराउंड शो, तो उसके लिए मैं जाऊँगा रिबन टूल बार पर ग्रुप्स और यहाँ पर लिस्ट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रुप बाउंडिंग बॉक्स, यानी जैसे इस पर मैं अनचेक करता हूँ तो मैं अपने किसी एक ग्रुप को सिलेक्ट करता हूँ, ये देखिए एक सेपरेट ब्लॉक की शक्ल में ये सिलेक्ट हो जाएंगे, बट ये अभी भी ब्लॉक की शक्ल में ही है, यानी वो जो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो डिलीट हो चुका है, वो शो नहीं हो रहा, बट अभी भी ये एक ग्रुप की शक्ल में ही है। तो बेहतर यही है कि आप वो उसको चेक लगा रहने दीजिए। तो मैं रिबन टूल बार पर जाकर यहाँ पर इसको ग्रुप बॉन्डिंग ऑन कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखिए रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑन हो चुका है। और अगर इसमें आप कुछ मज़ीद चेंजिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर ग्रुप्स में जाकर, तो यहाँ पर ग्रुप मैनेजर में जाएंगे और यहाँ पर हम जो सेटिंग हमने ऑलरेडी किए हैं, जैसे कि नेम, ग्रुप नेम, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं, नेम देना चाहते हैं, क्रिएट ग्रुप करना चाहते हैं, तो वो हम सारी यहाँ से कर सकते हैं और वो सेटिंग हमने ऑलरेडी कर ली है, तो सिंपली हम इसको ओके करेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ऑटोकैड में ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स को हम अपनी ड्राइंग में किन पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं और उनमें चेंजिंग्स वगैरह
कैसे कर सकते हैं, उनमें कोई नया ऑब्जेक्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं, या किसी ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करना चाहते हैं वो कैसे कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हुई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक फ़ौरन पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।